यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से एक हाईली डिबेटेबल पॉलिटिकल इशू रहा है रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पॉलिटिकल रैली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करने की बात कही है उन्होंने ट्रिपल तलाक पे भी अपने व्यूज़ रखे ट्रिपल तलाक पे व्यूज़ रखते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से मुस्लिम वुमेन का राइट छीना जा रहा है इवन इस्लामिक नेशंस जैसे कि इजिप्ट पाकिस्तान सीरिया बांग्लादेश में भी ट्रिपल तलाक जैसा रूल एग्जिस्ट नहीं करता तो इंडिया में ऐसा क्यों पॉलिटिकल डिबेट्स में ना जाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड दो वर्ड से बना है यूनिफॉर्म एंड सिविल कोड यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम एंड सिविल कोड का मतलब है सिविल लॉज सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ सेम सिविल लॉज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर हम प्रेजेंटली देखें तो डिफरेंट रिलीजन् में चाहे वो हिंदुज़म हो इस्लाम हो क्रिस्चैनिटी हो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं फॉर एग्जाम्पल मैरिज के अलग रूल्स हैं डाइवोर्स के अलग रूल्स हैं सक्सेशन के अलग रूल्स हैं अगर इन सभी रूल्स को हम खत्म कर देते हैं और एक कॉमन रूल ले आते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कि सभी पर्सनल लॉज को ख़त्म करना और एक कॉमन लॉ ले आना थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर ऑल रिलीजन अब ये जो सारा इशू है ना ये स्टार्ट होता है ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन से रिसेंटली ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ने पब्लिक के व्यूज मांगे हैं रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कि लोग हमें बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी लाया जाना चाहिए या नहीं दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इवन जो हमारा ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन था उसने भी पब्लिक के व्यूज़ मांगे थे रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड और एट द एंड उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था जिस कंसल्टेशन पेपर में ये लिखा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज जिसका मतलब ये है कि ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी ज़रूरत नहीं है रैदर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट में जो जितने भी पर्सनल लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन्स के उनमें जितने भी फ्लॉज हैं जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं उन सबको ख़त्म करना चाहिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की जरूरत नहीं है ये ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन का कहना था और अभी क्या हुआ है कि ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ने पब्लिक के व्यूज़ मांगे हैं रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है तो बिल्कुल हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जो आर्टिकल फोर्टी फोर है उसमें क्लियरली मैंशन किया गया है कि द स्टेट शैल इंडवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स आर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरेटरी ऑफ इंडिया इसका ये मतलब हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को बोलता है कि गवर्नमेंट को सभी सिटीजन्स के लिए सिक्योर करना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो पूरे भारत में ठीक है अब यहां पर भी ना एक डिबेट आती है डिबेट यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो संविधान को बना रहे थे वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आए तो उन्होंने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्यों रखा क्योंकि आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो वो इसको फंडामेंटल राइट्स में रख सकते थे तो इस डिबेट को आंसर देते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर जिनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिज़ाइरेबल है हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए बट वो इस बात को फेवर करते थे कि वो वॉलेंटरी होना चाहिए मतलब वो रिलीजन्स के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए जबकि सभी रिलीजन्स जो हैं वो मिलकर डिसाइड करें कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड आए बट एट दैट टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जा सकता था तो उनका ये मानना था कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाए बट इस तरह से लाए कि कोई भी रिलीजन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से ऑफेंड ना हो इवन जो हमारी जुडिशरी है हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करता है अगर आप डिफरेंट केसेस देखो फॉर एग्जांपल शाह केस है 1985 का या सरला मुडगल केस है 1995 का दोनों केसेस में जुडिशरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अब यहाँ पर एक और चीज़ अराइज होती है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं तो बिल्कुल जैसे ही 1950s में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्फोर्स में आया था तभी से डिमांड उठना शुरू हो गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए तो 1954 में क्या होता है कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट लाया जाता है जिसमें क्या होता है कि जितने भी सिविल मैरिजेज हैं सिटीजन्स की जितने भी मैरिज हो रही हैं डिफरेंट रिलीजन्स में जैसे मैरिज हो रही है वो जो मैरिजेस हैं वो मैरिजेस सारी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू ही होगी अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो अगर आप किसी दूसरे रिलीजन में मैरिज भी कर रहे हो तो उसमें कौन सा मैरिज एक्ट देखा जाएगा स्पेशल मैरिज एक्ट तो ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक स्टेप था इवन 1950s में ही हिंदू के जो पर्सनल लॉज थे सिर्फ हिंदू के जो पर्सनल लॉज थे उनको कोडिफाई किया गया चार एक्ट बनाए गए जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू एडोपशन एंड मेंटेनेंस एक्ट अब यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो हिंदू पर्सनल लॉज थे इनमें जो एक्ट बनाएंगे इसमें हिंदू वर्ल्ड में सिक्स भी आते हैं जेन्स भी आते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में तो लाने की बात चल रही है क्या इंडिया में कोई ऐसी स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल गोवा इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसमें एट प्रेजेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है ये चीज़ आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके प्रोज और कॉन्स क्या है मीन्स इसको लाने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं इनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले हम प्रोज देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट होगा मतलब देश में यूनिटी आएगी अभी क्या है डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट सेक्ट्स के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं तो वो डाइवर्सिटी की वजह से वो यूनिटी कम होती जा रही है उस यूनिटी को प्रमोट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना जरूरी है सेकेंड इक्वल स्टेटस मिलेगा सभी सिटीजन को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आता है थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इससे जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी आपको पता है कि डिफरेंट पर्सनल लॉज में वुमेन के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल को कहीं नहीं दी जाती डिफरेंट पर्सनल लॉज में तो वो दी जाएगी सेकेंड थिंग जैसे ट्रिपल तलाक जैसा इशू था इसमें भी अगर रूल्स लाए जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम कौनस देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट क्या बातें हैं पहली बात माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका ये ओपिनियन है इससे उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीनी जा रही है इवन जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी आप लेक्चर्स में देख सकते हो कि हमारे जो आर्टिकल हैं 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स हैं वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं कि हर पर्सन के पास ये हक है कि वो अपना रिलीजन खुद चुन सकता है उसको प्रैक्टिस कर सकता है प्रमोट कर सकता है ठीक है तो उसको ये जो उसकी फ्रीडम है ये छीनी जा रही है विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि अब वो अपनी चॉइस से अपने रिलीजन को प्रोफेस या प्रमोट नहीं कर पाएगा तो ये इसका कौन that, एक कौनस है सेकेंड थिंग इज दैट इंडिया एक डाइवर्स नेशन है अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं तो इंडिया की डाइवर्सिटी को हम कहीं ना कहीं हैम्पर करें ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अगर मैं अपने वे में कंक्लूड करना चाहूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी लाया जाना चाहिए या नहीं इसमें मेरा ओपिनियन ये कहता है कि गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले स्टेप ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट में सभी पर्सनल लॉज जो हैं उनमें जो भी डिस्क्रिमिनेशन है अगर उनको लग रहा है कि कुछ पर्सनल लॉज में कुछ कमी है सबसे पहले उनको रैशनलाइज करना चाहिए उनको ठीक करना चाहिए फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी ऑटोमेटिकली फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लाया जाएगा तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं तो मतलब हो भी रहे हैं जैसे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं तो ये चीजें तब नहीं होंगी अगर एक बार पर्सनल लॉज रैशनलाइज हो जाएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाना चाहिए या नहीं इसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान होंगे और सेकेंड प्री पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैंने आपको बताया ना कि पर्सनल लॉज पे बेसिकली यहां पर बात हो रही है पर्सनल लॉज को ख़त्म करके कॉमन लॉ लाने की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप मुझे बताओ कि जो पर्सनल लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में आता है स्टेट लिस्ट में आता है या कंकरेंट लिस्ट में आता है फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पी एंड डेली न्यूज़पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग